शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ एक्शन। उमेश पर हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता, 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। पुलिस ने मकान पर नोटिस भी चस्पा किया है, मुनादी करवाते हुए नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस को लगातार चकमा दे रही है शाइस्ता परवीन, जिसे अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। 50,000 का इनाम शाइस्ता परवीन पर पुलिस के द्वारा रखा गया है। इनामी शाइस्ता पर कसा शिकंजा, शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित। शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादलपुर फरार है। माननीय न्यायालय सीजीएम के आदेश से इनके विरुद्ध 82 का आदेश पालन हुआ है, क्योंकि अब ये भगोड़े की स्थिति में है। पुलिस ने मकान पर नोटिस किया चस्पा। कई महीनों से यूपी पुलिस को चकमा दे रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। भगोड़ा घोषित करने के बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन के घर की कुर्की भी की। मुकदमा का संख्या 14/23 जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है। माननीय न्यायालय सीजीएम के आदेश से इनके विरुद्ध 82 का आदेश पालन हुआ है, क्योंकि अब ये भगोड़े की स्थिति में है। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश यहाँ पर आदेश को की एक प्रति चस्पा किया गया है। प्रयागराज की धूमनगंज थाने की पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की। कई थानों की फोर्स के साथ पहुंची धूमनगंज पुलिस ने चकिया स्थित माफिया अतीक अहमद के जमींदोज मकान में नोटिस चस्पा किया। इस दौरान डुगडुगी बजाकर मुनादी भी कराई गई। उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन नामजद आरोपी है। 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या की गई थी। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। शाइस्ता परवीन वारदात के बाद से लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। पति और बेटे की मौत के बाद भी वो सामने नहीं आई। अब यूपी पुलिस की तरफ से उसके घर पर नोटिस भी लगाया गया है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी खबर पर